हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने जो आपके सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग जो सेकंड आप लोगों के किंगडम था, किंगडम माइकोटा, वो हम लोगों ने फिनिश किया था लास्ट। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो पाँच जगत पद्धति थी उसकी हम लोग यदि बात करें तो उस पद्धति के अंदर हम लोगों ने देखा था सजीवों को पाँच जगतों के अंदर बांटा गया है। उन जगतों के अंदर हम लोगों ने तीन जगत क्लियर कर दिए थे, चौथा जगत आपके पास प्लांटी आता है। और प्लांटी के बारे में हम लोग आप लोगों के लेसन जो थर्ड है उसके अंदर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोगों को बेटा दी हुई है और वो कंसेप्ट है पीढ़ी एकांतरण। वो कंसेप्ट क्या है? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? तो पीढ़ी एकांतरण को समझने के लिए हम लोग बेटा बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि पादपों के अंदर बेटा दो अवस्थाएं आती हैं अपने जीवन चक्र के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर दो फेसेज आती हैं। पहली फेज जो आती है वो हम लोग बात करते हैं एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेस आती है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था आती है। जबकि एक दूसरी अवस्था की बात करें तो अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। तो उस द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था और अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था के मध्य में जो चक्रीय भ्रमण चलता रहता है उसी चक्रीय भ्रमण को हम लोग पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों के वहाँ पर एक मेंशन चीज़ें हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों के पास जो RH व्हिटेकर किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लास्ट फिफ्थ किंगडम आता है और वो किंगडम था आप लोगों के एनीमेलिया, जिसके अंदर हम लोग बेटा जो आपके जंतु जगत है उसके बारे में हम लोग जो लेसन नंबर फोर्थ है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो हम लोग ब्रीफली वहाँ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा आप लोगों के इस NCERT के सेकंड चैप्टर के अंदर लास्ट जो मेंशनेशन आप लोगों के चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो जनरल अकाउंट्स दी हुई है ना। और वो जनरल अकाउंट्स आप लोगों के फैक्ट किस किस के बारे में दे रखा है? एक आप लोगों के लाइकेन के बारे में दिया हुआ है, लाइकेन। एक आप लोगों के वायरस, विरोइड और प्रियॉन्स, इनके बारे में जनरल अकाउंट्स आप लोगों के मेंशन हैं लास्ट। तो इनको हम लोग आज टुडे वन बाय वन डिस्कस करते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर सेकंड आप लोगों के फिनिश हो जाए। तो हो जाइए तैयार लाइकेन के लिए। व्हाट इज द लाइकेन? लाइकेन क्या होता है बेटा? तो लाइकेन जब हम लोग कवक पढ़ रहे थे तो कवकों के अंदर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि शैवाल और कवकों के मध्य में जो पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होगा, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है, उसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो शैवाल और कवकों के मध्य में पाए जाने वाला सहजीवी संबंध, शैवाल एवं कवकों के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी के मध्य पाए जाने वाला जो सहजीवी संबंध है उसी सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है आप लोगों के? लाइकेन कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग लाइकेन के बारे में स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को कहा जाता है आप लोगों के शैवाल विज्ञान, वो सॉरी लाइकेन विज्ञान, लाइकेन विज्ञान, लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि लाइकेन जो शब्द था ये थियोफ्रास्टस ने दिया, और थियोफ्रास्टस कौन था? वनस्पति विज्ञान का जनक था। तो थियोफ्रास्टस ने क्या दिया आप लोगों के? लाइकेन शब्द दिया। आगे बात करते हैं हम लोग कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, लाइकेन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एरिक एरेकिस नामक जो वैज्ञानिक था उसे लाइकेन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा कि लाइकेन के अंदर
ये सपोज करो बेटा आप लोगों के लाइकेन है, तो इस लाइकेन के अंदर कुछ घटक, कुछ भाग शैवालों का होता है और कुछ भाग किसका होता है, कवकों का होता है। तो ये शैवाल का घटक भी है इसके अंदर और ये आप लोगों के बेटा कवक का घटक भी है। जो शैवाल का घटक लाइकेन के अंदर होगा उसे बोलेंगे शैवालांश, उसे क्या कहा जाता है, शैवालांश कहा जाता है, फाइकोबायोंट बोलते हैं, फाइकोबायोंट। क्लियर? क्योंकि फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द एल्गी। क्लियर? एल्गी के बारे में, शैवालों के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार बेटा लाइकेन के अंदर जो कवक का घटक होगा उस कवक के घटक को कवकांश बोला जाता है, कवकांश कहा जाता है। माइकोबायोंट, इट मींस माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फंजाई, जिसके अंदर हम लोग फंजाई कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को क्या कहा जाता है बेटा आप लोगों के, कवक विज्ञान, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो वहां से कंसेप्ट लिए गए हैं बेटा। क्लियर? आगे बढ़े अपन लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस लाइकेन के घटक के अंदर, लाइकेन के घटक के अंदर अधिक भाग किसका होता है, तो बेटा कवकांश का भाग कैसा होता है, अधिक होता है। शैवालांश वाला भाग कम होगा, कवकांश वाला भाग अधिक होगा। और कवक हम लोगों ने देखे थे पोषण विधि के आधार पर कैसे हैं, मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं, और शैवाल पोषण विधि के आधार पर होते हैं स्वपोषी, यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इनके अंदर जो कवकांश वाला भाग होगा वो प्रकाश संश्लेषी होगा, सॉरी शैवालांश वाला जो भाग होगा वो प्रकाश संश्लेषी होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और जो कवकांश वाला भाग होता है वो कैसा होगा आप लोगों के, मृतोपजीवी और परजीवी प्रकार का होता है। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, लाइकेन के वर्गीकरण की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो लाइकेन को इस कवकों के कवक घटक के आधार पर, लाइकेन को कवक घटक के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, कवक घटक के आधार पर इन्हें दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला है एस्कोलाइकेन, यानी ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित होते हैं। इन लाइकेन में कवक घटक एस्कोलाइकेन वर्ग का सदस्य होता है। और एक होता है वेसिडियोलाइकेन, तो वेसिडियो वर्ग, वेसिडियो लाइकेन। तो इन कवकों के अंदर बेटा जो कवक का घटक होगा वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना लास्ट प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कवकों को चार मेजर क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एसिडियोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एस्कोलाइकेन में जो कवक घटक होगा वो किसका होगा, एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडियोलाइकेन में वेसिडियोमाइसिटीज का होता है। क्लियर? और अधिकांश लाइकेन कैसी होती है, एस्कोलाइकेन टाइप की होती है। मैक्सिमम कैसी होती है बेटा, एस्कोलाइकेन टाइप की होती है। तो ये हम लोगों ने कवक घटक के आधार पर लाइकेनों का वर्गीकरण डिस्कस किया है। क्लियर? अगले कंसेप्ट की ओर चलें। तो अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग बात करते हैं बेटा, और वो आप लोगों के हैं लाइकेन थैलस के आधार पर। किसके आधार पर, थैलस के आधार पर, कि इनका जो बॉडी होगी वो कैसी होती है थैलस के आधार पर। तो थैलस के आधार पर बेटा जो लाइकेन होते हैं, लाइकेनों को मुख्यतः तीन समूहों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। तो इस प्रकार के लाइकेनों का जो शरीर होगा बेटा वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, क्रस्टोज लाइकेन होता है ना। आगे हम लोग बात करते हैं
एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और वो एग्जाम्पल आप लोगों को क्या मेंशन करना है यहाँ पर, वो एग्जाम्पल है आप लोगों की ग्रेफिस। कौन सा एग्जाम्पल है? ग्रेफिस। क्लियर? आगे बढ़ें, आगे ले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और वो सेकंड क्लास आप लोगों के वर्ग है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन, जब बेटा आप लोग बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हों, तो बेसिक बायोलॉजी जब आप लोगों को पढ़ाई जाती है, तो उस बेसिक बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के बारे में। तो जो लीव्स होती हैं उन्हें बोला जाता है बेटा फोलियोज। किसी प्लांट के अंदर जितनी भी लीव्स होंगी उनको, टोटल लीव्सों को फोलियोज बोला जाता है। तो इनका जो, इन लाइकेनों का जो थैलस होगा, शरीर होगा, वो बेटा कैसा होता है? पत्ती के समान होता है। कैसा होता है? पत्ती के समान होता है, लीफ लाइक होता है, इसलिए इन्हें फोलियोज लाइकेन कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो पार्मेलिया, पार्मेलिया और पेल्टीवेरा क्या है? आप लोगों के फोलियोज लाइकेन हैं। और लास्ट हम लोगों के पास आती है बेटा अगली फ्रूट, फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकोन की बात करें तो इन लाइकेन, ये सबसे सुविकसित वेल डेवलप्ड लाइकेन होती हैं, जिनका शरीर वेलनाकार होता है, आकृति झाड़ी के समान होगी, वेलनाकार होता है ना, शाखित थैलस युक्त ये रचनाएं होती है, तो वो फ्रक्टोज है। क्लियर? तो कवक घटक के आधार पर और थैलस के आधार पर हम लोगों ने लाइकेनों का यहाँ क्लासिफिकेशन की बात की है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट हैं, वो स्पेसिफिक कंसेप्ट आप लोग नोट डाल के यहाँ पर मेंशन करोगे। और क्या मेंशनेशन करना है आप लोगों को बेटा? वो मेंशनेशन करना है कि 80% लाइकेनों में, 80% लाइकेनों में क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं। क्लोरोफाइसी शैवालों का वर्ग है बेटा। तो 80% लाइकेन में क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं, और 20% जो लाइकेन होते हैं वो नीलहरित शैवाल होते हैं। कैसे होते बेटा? नील हरित शैवाल होते हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग बात करते हैं एक कोशिकीय हरा शैवाल, एक कोशिकीय हरे शैवाल की यदि बात करें तो वह आपके ट्रविक्सिया, ट्रविक्सिया इज द यूनिसेलुलर। आगे यदि नील हरित शैवाल बीजीय जो लाइकेन में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? नॉनस्टॉक है आपके, एनाबीना हैं आप लोगों के, है ना, साइटोनिमा हैं। तो ये आप लोगों के कुछ नीलहरित शैवाल हैं जो लाइकेन के साथ अपना सहजीवी जीवन व्यतीत करती हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा जनरल अकाउंट यहाँ डिस्कस की है। आगे हम लोग एक कंसेप्ट और है जो नीट की एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चन पुट अप किया गया है, और वो क्वेश्चन ये है कि लाइकेन एक ऐसे पादप हैं जो वायु प्रदूषण के संसूचक होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है, और जो प्रदूषण संसूचक पादप है उसमें से किस प्रदूषण का संसूचक है? ये भी नीट के एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो याद रखना है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ये, और उसमें भी एयर पॉल्यूशन में SO2, क्योंकि कई कारक पढ़ेंगे जब आप लोग इकोलॉजी पढ़ते हो बेटा 12th के अंदर, जब आप लोगों ने इकोलॉजी वाला पार्ट भी देखा होगा तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि जब पॉल्यूशन पढ़ते हैं तो पॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के एयर पॉल्यूटेंट की बात की जाती है, तो वो SO2 के संसूचक होते हैं। इसके अलावा लाइकेनों का कई जगह हम लोग आर्थिक यूज भी करते हैं, इकोनॉमिक रूप से भी इनका इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि इनका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है, चारे के रूप में भी किया जाता है, अभी रंजक के रूप में भी हम लोग इनका यूज करते हैं, डाइज बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। और भी यदि इनके उपयोगों की बेटा बात करें तो औषधियों के निर्माण में भी कई लाइकेन प्रजाति हैं, जैसे असनिया लाइकेन प्रजाति है आप लोगों के, यदि हम लोग देखें क्लेडोनिया प्रजाति है, तो ये कुछ आप लोगों के लाइकेन प्रजाति है जिनका यूज हम लोग क्या है औषधि निर्माण के अंदर भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जंगल की आग के रूप में असनिया का जो पादप है उसे वृद्ध की डाढ़ी भी कहा जाता है, इसे जंगल की आग के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण गर्मी में जंगलों में आग लग जाती है।
इसमें क्या होती है, अश्निया के प्लांट में ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है, तो गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे खुद स्वतः ही आग लग जाती है, जिसे जंगल की आग के नाम से जाना था। एक तो वृद्ध की डाढ़ी और एक जंगल की आग, अश्निया प्लांट। अश्निया का यूज मेडिकल फील्ड के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये लाइकेन की कुछ अकाउंट डिस्कस किए हैं, इन पॉइंटों को आप लोग मेंशन कर सकते हो। क्लियर बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और वो कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा आप लोगों के, और वो टॉपिक जो आपके मेंशन है वो है आपके विषाणु वायरस। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग आगे अगला सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट है विषाणु वायरस, जिसने बहुत ज़्यादा खतरा फैला रखा है ऑल ओवर वर्ल्ड, और वो आपके फॉर कोविड के फॉर्म में आया है। तो वायरस के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्यों खतरनाक है बेटा विषाणु वायरस। बेटा यहाँ हम लोग आपको बता दिया है पहले ही हम लोग कि जनरल अकाउंट जो मेजर अकाउंट है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल ना, क्योंकि हमें बेसिक पॉइंट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बातें करनी है, क्योंकि क्रैश कोर्स में बातें हैं आप लोगों की। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर कि वायरस है, ये लैटिन भाषा के एक वर्ड होता है वायरस, उस वायरस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन विष, आविष, टॉक्सिक। तो वायरस एक टॉक्सिक सबस्टेंस है बेटा, एक विषैला क्या है, पदार्थ है। और यही कोविड में देख लिया ना, टॉक्सिक सबस्टेंस बॉडी में एंटर हो जाता है तो खतरा क्रिएट कर देता था। क्लियर, आगे बात करते हैं विषाणुओं के बारे में। हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वायरस के बारे में, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोला जाता है। सबसे पहले विषाणु की खोज डीजे इवानोवस्की। अरे कोई डीजे पे नाचेगा तो ज़्यादा नाच लिया तो उसकी वस्की नहीं रहेगी ना, तो जब वायरस का अटैक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वस्की नहीं रहने वाली बेटा। तो सीधा सा एक कंसेप्ट था जिससे हम लोग याद कर सकते हैं ना, डीजे इवानोवस्की, तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले खोजा गया विषाणु कौन सा था, तो TMB विषाणु था, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक जो वायरस था वो सबसे पहले खोजा गया वायरस था। आगे वैज्रिक एक वैज्ञानिक था, और उस वैज्रिक नामक वैज्ञानिक ने विषाणुओं को एक संक्रामक तरलों की संज्ञा दी कि विषाणु एक संक्रामक तरल है। क्लियर, अब आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो बातें आप लोगों की क्या है, विषाणुओं की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एक तो ये अकोशिकीय जीव होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, बेसिक करेक्टर्स हम लोग बात करते हैं, तो वन बाय वन में आप लोगों को डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो मेंशन भी करते हुए चलना बेटा, वन बाय वन में बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करना चाह रहे हैं कि ये अकोशिकीय जीव है, ये कैसे जीव होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर कोई सेल नहीं होती अपने आप में, केवल इनके अंदर यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आगे पढ़ेंगे, केवल न्यूक्लिक अम्ल होगा DNA और RNA के रूप में। ये एकेरियोटा के सदस्य हैं, इसका मतलब इनके अंदर केंद्रक भी नहीं होता है जिससे कि नियंत्रण हो जाए, कंट्रोल इसलिए नहीं होता है। आगे ये सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं जिनका आकार 100 से 100 से 3000 माइक्रोमीटर होता है, इन्हें जीवाणु फिल्टर के द्वारा छाना जा सकता है। विषाणु अंतः कोशिकीय और अविकल्पीय और परजीवी होते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि विषाणुओं में अधिकांश कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और विषाणुओं में एंजाइमों का भी क्या होता है बेटा, अभाव होता है। विषाणुओं में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, विषाणुओं में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, विषाणुओं में स्वायत्त क्रियात्मक क्षमता पाई जाती है, क्रियात्मक स्वायत्त ऑटो जो फंक्शनली ऑटोनोमस जो कंडीशन है उसका क्या होगा, अभाव होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि विषाणुओं के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होगा, या तो वो DNA के रूप में होता है अथवा RNA के रूप में पाया जाता है, और बेटा विषाणुओं को सजीवों के और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है, क्योंकि ये ना तो सजीव है ना निर्जीव है, बीच का है भाई,
क्यों है? क्योंकि ये कुछ तो लक्षण जो है वो सजीवों के दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टी किसकी दिखाता है बेटा? निर्जीवों की दिखाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? सजीवों के और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है, कनेक्टिव चेन कहा गया है। वायरस परपोषी विशिष्टता भी दर्शाते हैं, क्लियर है। आगे विषाणु आकृति में भी विविधता दर्शाते हैं, ये उच्च तापमान पर, दाब पर, न ध्वनि आवृत्ति पर, परागवेगनी किरणों में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, क्लियर। आगे हम लोग बेटा विषाणुओं की प्रकृति की बात करते हैं, विशेषताओं के बाद हम लोग इसकी नेचर की बात करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने बोली थी प्रकृति के आधार पर, ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो हम लोग पहले तो निर्जीव गुणों के बारे में पढ़ते हैं इसकी, है ना। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, निर्जीव गुण जिसके कारण इन्हें निर्जीवों के श्रेणी में रखा गया है। तो पहली चीज़ तो इनके अंदर बेटा जीव द्रव्य का अभाव होता है, क्योंकि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो जितनी भी क्रियाओं के लिए जो तरल चाहिए वो इसके लिए अवेलेबल होता नहीं है। दूसरी, इनमें एंजाइम प्रणाली का भी अभाव, एंजाइम प्रणाली का भी क्या होता है? अभाव होता है। श्वसन की क्षमता का अभाव होता है, ये रेस्पायरेशन नहीं कर सकते क्योंकि अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थिति हैं, एकोशिकीय है तो कोशिकांग तो होना स्वाभाविक है, अनुपस्थित होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर वृद्धि नहीं कर सकते, कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर भी ये वृद्धि नहीं कर सकते हैं। आगे ये स्वतः उत्प्रेरक का इनके अंदर गुण पाया जाता है। क्रियात्मक स्वायत्तता का क्या होता है? अभाव होता है। तो इन कुछ गुणधर्मों के कारण ये क्या है बेटा? निर्जीव है, क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सजीव गुणों की। लिविंग प्रॉपर्टीज की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो सजीव गुणों की बात करें तो इनमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है डीएनए और आरएनए के रूप में, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए के रूप में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। ये परपोषी कोशिका में स्वतः गुणन कर सकते हैं, परपोषी कोशिका यानी जहां पर जाकर ये संक्रमण करेंगे। सपोज करो ये वायरस है, इस वायरस ने मेरे अंदर अटैक कर दिया, तो मेरे अंदर जाकर ये रेप्लिकेशन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, जिससे इसका संक्रमण बहुत तेजी से हो जाता है। इसलिए तो देखते हैं अपन लोग वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इसके अंदर परपोषी में जाकर प्रतिकृति करने की जो क्षमता है, अपने कॉपी नंबर बढ़ाने की जो क्षमता है बेटा, वो मैक्सिमम होती है, क्लियर। आगे बढ़े, ये प्रतिजैविक गुण दर्शाते हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? प्रतिजैविक गुण दर्शाते हैं। संक्रमण की क्षमता इनमें पाई जाती है, ये परपोषी विशिष्टता भी दर्शाते हैं। तो इन कुछ गुणधर्मों के कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? सजीव है। तो ये हम लोगों ने बेटा इस तरह से इसकी कुछ सजीव प्रॉपर्टी और निर्जीव प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ा है, और इसी से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं बेटा? आप लोगों के सजीव और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी होते हैं। आगे हम लोग बेटा वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग बेटा, संरचना की बात करें तो संरचना में हम लोग बेटा मेंशन कर सकते हैं कि सामान्यतः यदि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर में ये तो न्यूक्लिक अम्ल होगा, ये न्यूक्लिक अम्ल आप लोगों के इस तरह से ये प्रोटीनीय आवरण के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो इस तरह से क्या है आप लोगों के वायरस की जनरल स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये केंद्रीय कॉर्ड वाला भाग होता है, इसे सेंट्रल कॉर्ड बोलते हैं। तो केंद्रीय कॉर्ड जो या तो डीएनए के रूप में या आरएनए के रूप में होती है, क्लियर है। यदि हम लोग बात करते हैं कि जंतु है तो जंतुओं के अंदर केंद्रीय कॉर्ड डीएनए के रूप में होगी, और यदि पादप वायरस की बात करेंगे तो प्लांट वायरस के अंदर आरएनए के रूप में हो। याद करने के लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूं कि भूले नहीं आप लोग बेटा। तो जंतुओं की बात कर रहे हैं तो जंतु मीन्स एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और उधर पादपों की बात कर रहे हैं इट मीन्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। एनिमल्स में हम लोगों को याद करना है डीएनए होगा, और पादप वायरसों की बात करेंगे तो उसमें आरएनए होगा। कैसे याद करेंगे? बस अल्फ़ाबेट के नियर वाली बात करनी है कि देखें तो ए और डी अल्फ़ाबेट के नियर आते हैं, आर बहुत दूर चला जाता है ना,
इधर पी और आर नज़दीक आते हैं, तो नज़दीक का मामला है, पड़ोसी का मामला देखना है वायरस में, तो है ना, तो वायरस बहुत पड़ोसी, क्योंकि संक्रमण होता है ना तेज़ी से, तो पड़ोसी में जल्दी फैल जाता है, इसलिए तो दूर रहने की सलाह दी जा रही है ना कोविड में, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, इसलिए बोला जा रहा है बेटा, है ना, तो डिस्टेंस रखनी है, तो यहाँ क्योंकि ये पड़ोसी का मामला है इसका, क्लियर। तो ये हम लोग बातें कर रहे हैं बेटा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो केंद्रीय कॉर्ड है ये प्रोटीनीय आवरण से घिरा हुआ होता है। ये क्या होता है? प्रोटीनीय आवरण से घिरा हुआ होता है, जिसे आंतरिक आवरण भी बोल सकते हैं, और आंतरिक आवरण के बाहर की ओर एक अन्य आवरण भी पाया जाता है, जिसे बाहरी आवरण भी कहा जाता है। क्लियर। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो ये आप लोगों के बेटा वायरस की क्या है, स्ट्रक्चर है, वायरस की ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा, केंद्रीय कॉर्ड होगा, है ना, जो या तो डीएनए के रूप में होगा या आरएनए के रूप में होगा। यदि पादप वायरस है तो उसमें आरएनए होगा, जंतु वायरस है तो उसमें क्या होगा, डीएनए होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आगे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो केंद्रीय कॉर्ड है ये चारों ओर से प्रोटीन से निर्मित एक आवरण से घिरी हुई रहती है, और उस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड। और कैप्सिड की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कैप्सोमियर्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर्स। और यदि टीएमबी विषाणु के अंदर कैप्सोमियर्स की संख्या की बात करें तो 2130 होती है। कितनी होती है? 2130 होती है। अलग अलग विषाणुओं के अंदर इन कैप्सोमियर्स की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो याद रखना है कैप्सिड और कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड केंद्रीय कॉर्ड को चारों ओर पाए जाने वाला जो प्रोटीनीय आवरण होगा उसे कैप्सिड बोलेंगे, और कैप्सिड की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कैप्सोमियर्स कहा जाता है, जिनकी संख्या अलग अलग वायरसों के अंदर अलग अलग विषाणु प्रजातियों के अंदर अलग अलग होती है। क्लियर, एनी कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से बेटा हम लोग जनरल वायरस के बारे में हम लोग अकाउंट यहाँ देख सकते हैं, और भी हम लोग फैक्ट है वो आप लोग फैक्टों में जनरल फैक्ट आते हैं, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, कैप्सोमियर्स के नंबर हैं, तो वो ब्रीफ डिस्कशन आप लोग आगे भी देख सकते हैं। आगे हम लोग कभी कंटिन्यू वीडियो एक अपलोड करेंगे माय यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उस पर भी आप लोग ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हो। तो ये आप लोगों के वायरस हैं, क्योंकि वायरस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत स्मॉलेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, और जनरल हम लोग बात करते हैं क्योंकि आजकल नीट का हम लोग क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी को फॉलो करवा रही हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है बेटा। क्लियर, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट आप लोगों के वीरॉइड्स, वीरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? तो वीरॉइड की बात करें तो टीओ डाइनर एक वैज्ञानिक था, टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये ऐसा वायरस है, वीरॉइड एक ऐसा वायरस है, ऐसा विषाणु है जिसके अंदर प्रोटीनीय आवरण कैप्सिड का अभाव होता है, यानी कैप्सिड रहित विषाणु को वीरॉइड कहा जाता है। क्लियर, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल एकल रज्जु की आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर, और इसके संक्रमण से, वीरॉइड के संक्रमण से जो रोग उत्पन्न होता है वो आपके पीएचटीवी है। कौन सा है? पीएचटीवी क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। क्लियर, तो ये वीरॉइड के बारे में आप लोगों के अकाउंट्स है। क्लियर, वीरॉइड के बाद में आप लोगों के एक अगला कंसेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन, और वो आपके प्रियॉन्स, क्लियर बेटा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स प्रियॉन्स को समझना है बेटा क्या है ये आप लोगों के, तो पहली बात तो खोज की बात करें तो स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, और प्रूजिनर नामक वैज्ञानिक,
ने इनकी खोज की, उन्होंने क्या बताया, ये ऐसे विषाणु होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीनीय आवरण पाया जाता है, यानी प्रोटीनीय आवरण युक्त विषाणुओं को प्रियोन्स और प्रोटीनीय आवरण रहित विषाणुओं को विरोइड कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, न्यूक्लिक अम्ल का इनके अंदर अभाव होता है, न्यूक्लिक अम्ल रहित होते हैं, जबकि इधर विरोइड की बात करें तो उसमें न्यूक्लिक अम्ल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में, वायरस की बात करेंगे तो उसमें आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड भी होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होंगे। क्लियर, वो एक्सेप्शन वाइज एक्सेप्शन हम लोग बातें करते हैं। क्लियर, और इसके संक्रमण से स्क्रैपी रोग या कुरु रोग भेड़ बकरियों के अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, आगे हम लोग बात करते बेटा और वो कंसेप्ट की बात करते आप लोगों के, और वो कंसेप्ट क्या है आप लोगों के, एक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आपको केवल एक याद रखना बेटा, जीवाणुभोजी। एनसीईआरटी की बुक जब आप लोग ओपन करोगे तो शायद पेज नंबर 26 पर आप लोग देखोगे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज जिसमें एक षटकोणीय ऊपर हम लोग देखते हैं शीर्ष वाला भाग, षटकोणीय भाग होगा नीचे, बेंजीन जैसी भाग आपके दिखाई दे रही होगी, नीचे षटकोणीय हेक्सागोनल प्लेट होगी जिस पर 6 पुच्छ तंतु का आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग बेटा इमेज जो आपके हैं वो याद रखना है, लेवलिंग आप लोगों को याद करनी है उसकी, जी बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं, मैं सिंपलफाई में आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी ऐसे विषाणु होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। क्लियर, तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को, वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, और इस बैक्टीरियोफेज का उपयोग हम लोग आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर किसके रूप में करते हैं, एक वाहक के रूप में, आनुवंशिक वाहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आनुवंशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज इस क्लास के अंदर आप लोगों के लाइकेन, वायरस, वेरॉइड्स, प्रियोन्स और बैक्टीरियोफेज जैसी कुछ कंसेप्टों को क्लियर किया है। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगी। इसी के साथ लेसन सेकंड आप लोगों के एनसीईआरटी वेज फिनिश होता है। थैंक यू, गुड बाय।